मैं एक किसान का बेटा होने के नाते मैं देश के किसानों से भी और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का आंदोलन विशेष तौर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा रची गई साजिश के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो जन्मजात किसान विरोधी गरीब विरोधी पार्टी है और वह कभी भी किसानों का हित न कभी सोची थी न कभी सोची है और न कभी सोचेगी। और इस आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि जिस विषय को लेकर के किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि किसानों के साथ अन्याय होने जा रहा है, ना अन्याय हुआ है और ना अन्याय होने पाएगा। किसानों को जो एमएसपी मिलनी चाहिए वह एमएसपी उनको मिल रही है। किसान को अधिक कीमत मिले वो कहीं बेचे, अगर किसान को सरकारी मूल्य पर बेचना है तो क्रय केंद्र पर बेचे, यह सुविधा सदा बरकरार है। और इसलिए मैं देश के किसानों के साथ साथ विशेष तौर से अपने उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से अपील करूंगा कि वह कांग्रेस के चक्कर में गुमराह ना हो और जो भाजपा विरोधी कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कभी किसानों का फायदा सोचा ही नहीं है, वह आज ये सोच रहे हैं कि हम किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काएंगे, तो यह समझ लीजिए कि वो किसानों के हितैषी नहीं किसानों के दुश्मन हैं। और आप इनके चक्कर में गुमराह ना हो और सभी किसान भाई घर वापस जाएं और किसानों का हित मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपका जीवन स्तर भी सुधरेगा, आपके बच्चे भी किसान बन करके गौरव का की अनुभूति करेंगे क्योंकि हम सब उस परिवार में पले हैं जहां बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, यानी खेती से उत्तम कोई कर्म नहीं है। व्यापार दूसरे दर्जे का स्थान रखता था, नौकरी तीसरे दर्जे, भिक्षाटन चौथे दर्जे का स्थान, खेती को उसी उत्तम स्थान पर पहुंचाने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत शानदार प्रयास पूरे देश के अंदर हुआ है।